हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। तो हम आज बनाएंगे साबुदाने की पकौड़ी। तो चलिए, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने साबुदाना लिया है, यह हमने अच्छी तरह से धो के एक घंटा भिगो लिया था। इस तरह का हो गया है, देखिए। अब हम इसके अंदर जो हमने लिया है दूसरी चीज़, तो लिए हैं हमने आलू। दो आलू को हमने कस लिया है, छील के इसे फिर धो लिया अच्छी तरह से। अब छन्नी में हमने इसे पानी निकालने के लिए रख दिया है। हमने छन्नी में इसलिए रखा जो इसका पानी एक्स्ट्रा है सब निचर जाए। अब हम इसे साबुदाने के अंदर मिलाएंगे। ये व्रत में, नवरात्रि के व्रत में खाते हैं इसे पकौड़ियों को, आलू और साबुदाने के। यह हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। अब हमने आलू को साबुदानों को अच्छी तरह से मिला लिया है, तो हम इसमें चार पांच हरी मिर्चें डाल देंगे, देखिए। और थोड़ा सा हम पुदीना डालेंगे इसमें, और आधा नींबू भी डाल देंगे इसमें। हमने चावल का आटा लिया है एक कटोरी, अभी तो हम इसमें आधा डालेंगे, आधा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे हम इसमें। थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है इसमें तीखापन आने के लिए। थोड़ा हमने काला नमक लिया है, क्योंकि व्रत में सफ़ेद नमक नहीं खाते, काला नमक या सेंधा नमक खाया जाता है, तो हम काला नमक डालेंगे। आधा चम्मच हम जीरा भी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, देखिए। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है इसे। अब हम इसको पकौड़ी बनाएंगे। कुछ देर हम ऐसे ही रख रहे हैं जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाए। देखिए, हमने इंडक्शन पे ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, रिफाइंड ऑयल लिया हमने। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम पकौड़ी बना के डालेंगे ऐसे करके। बस हमें ऐसे ही पकौड़ी बनानी है। अब हम इसे एक दो मिनट ऐसे ही सेकेंगे, फिर हम मैं आपको पलट के दिखाऊंगी। देखिए, अब मैं आपको पलट के दिखाऊंगी इसे। पकौड़ियों को हमने सब पलट लिया है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब मैं दूसरी तरफ से आप सेक के आपको निकाल के दिखाऊंगी। अब मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ तल लूंगी। देखिए, हमारी साबुदाने की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हैं। व्रत में खाई जाने वाली पकौड़ियाँ बनाई हैं हमने। आप नौ दुर्गों में, नवरात्रि में कोई सा व्रत रखें तो आप यही पकौड़ियाँ बनाना मेरे स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो लाऊँ आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।